चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो भैया देखो, हमारा हो रहा था इनके साथ कस्टम हुआ, और ये मतलब लाइव में हमने इनको चैलेंजवा दिया कि भैया हमको हरा के दिखाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दोनों कर रहे थे कस्टम, और लाइव में मेरे को इनको हराना ही हराना था। तो हम दोनों बिल्कुल ओपी तरीके, मतलब बिल्कुल चीर फाड़ करते हुए घुसते चले जा रहे थे, और लिए थे हम किंग फिशर। भैया हमने सोचा कि हम बिल्कुल इनके घुस के ही मारेंगे, क्योंकि डिजल्टवा चलाते रह जाएंगे, हेड इनका कदवा पड़ेगा, और हम बिल्कुल तान देंगे। और ई लो, ये तो मर भी गए। ई भैया ओम फो, ये तो चले भी गए स्वर्गवासी करते हुए। हम तो बिल्कुल ओपी तरीके से, हम तो सोच रहे थे बिल्कुल जीत ही जाएंगे, और जीत ही गए थे। वो तो बात अलग थी कि बीच में फटवा था हमारा, क्या करें। अब यहाँ पर देखो, दूसरा राउंड स्टार्ट हो चुका था, और यहाँ पर ये बिल्कुल ओपी तरीके से बिल्कुल मूवमेंट दिखा रहे थे, लेकिन हम तो बिल्कुल थाइरे भैया नो प्लेयर, तो हम नो पिलवारा, अरे भैया प्रो प्लेयर, तो हम ये बिल्कुल नो, मतलब हम नो अरे कहना क्या चाहते हो? मैं, और ये बिल्कुल मूवमेंट दिखाते हुए आते हुए बिल्कुल सामने ऐसे कि इन्हें चढ़वा फाड़ देंगे। लेकिन दूसरे राउंड में भी इनको हलवा खिलाया हमने, वो भी गरम गरम मुंह में। देखिए कैसे, ये देखिए हमें टीन लेके आया था, अरे दौता रही तो बिल्कुल टट्टवा बन गया, रे भाग रे बाबर भाग इधर से। और ये देखिए, मतलब यूएमपी लेके आ गए, सोच रहे था जब मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? उतार देंगे। हमने दिया दो गोली का रसगुल्ले पेड़े, और ये लिपट गए इतने में इनके मुंह में ठाप दिया, और लाल दिखाते हुए गजब बेइज्जती करनी थी, क्योंकि चल रही थी लाइव इनकी। तो हमने इनकी स्क्वाड को तो हरा ही चुकी, हमने सोचा कि इनको लाइव में भी हराएंगे। तो ये तीसरा राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और हम बिल्कुल सामने से हम खुले में टाइल नाम देते, आज मार ही देंगे ततरा को। झूठ बोल रहा है। और हमको क्या पता था इसमें फटने वाली हमारी, क्योंकि M10 लेके आए थे, गोला मारेंगे फेंक के हमारे मुँह पे। देखिए आप कैसे हमने जीतेंगे, चाहे जीत भी नहीं पाए थे, अगला राउंड हार गए थे। नहीं देखिए, हम ग्लो वाल पैक कर लिए, हमने सोचा साला मेडिकेट मारो पहले, वरना ये पूरा गोला ही गोला मार के हमको उड़ा देगा। क्या बोला तूने? तो साला 6 गोले धरे थे इनकी इनकी गन में। तो अब देखिए हम कैसे, हमने गोला खोला वैसे ही आ गया बिल्कुल तड़तड़ाते हुए। हमने जैसे ही देखा कि आ रहे हैं, तो हमने भी मारा इनको 2 नाली के 2 फटके। लेकिन देखा, अरे भैया हमने ग्लो वाल स्कैलर मारा, लेकिन साला स्कैलर बेल्ट हो गया, 2 गोली तो मारे, इनका अंधी हट चला गया। गजब बेइज्जती है। अब मेरी तो पड़ गई भाई, हमने कहा चलो ठीक है, इनको दूसरे राउंड में देखते हैं। ये बिल्कुल ओपी तरीके से रीबॉर्न नाम रखे हैं, आईडी लाइलीन है हाँ। तो ये बिल्कुल ओपी तरीके से मूवमेंट दिखाते हुए फिर से आते हुए, और पिछले राउंड में इन्होंने हमको इमोट दिखा दिया, तो मेरी जली थी लाल हो गई थी, बस उसमें बर्फ रखना जरूरी थी वरना पिघल जाती। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अब देखो दूसरे राउंड में इन्होंने फिर M10 उतार दिया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। हमरे हमने कहा ससुरे के नाते हम 2 नाली लेके आ रहे हैं, तो M10 से हमने 6 गोली धूम 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 जैसे गोला बारूद फेंक के मार रहे हो, ईटा मार रहे तुम्हारे फेंक के। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। उसे राउंड में हमने कहा करा इनके, जब हमारा हमको याला जीतने आता, हमने सोचा था अब याला नहीं जीतेंगे ससुरे जीतेंगे कैसे। लेकिन याले राउंड में हमारी आ गई थी कॉल, तो हमारे लग गए थे एल एल, मतलब जानते हो कहाँ लग गए थे, अब बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही समझ जाओ। हम गिर गए थे नीचे, अब हमने सोचा ऊपर तो आएंगे, ये सोचे कि हम हेड मार लेंगे। यही बिल्कुल हेड की तैयारी करते हुए हम पहले उधर गए, हमने सोचा कि उधर देखेंगे, फिर उसके बाद हम इधर इधर आए वापस से घूम के। लेकिन ये सोच रहे थे हम इधर से आएंगे, क्योंकि इनके में दिख रहे थे फुटप्रिंट, हमने लगाए नहीं फुटप्रिंट वाले, तो हम ऊपर से आते हुए। फिर उसके बाद ये हेड की तैयारी कर रहे थे, लेकिन साले ये तो एक झटे हेड पड़ा नहीं हमने। उसके बाद धीरे धीरे किलोवा लगा के ऊपर आ रहे थे, हम सोच रहे थे कि साला मार देंगे, और यहाँ पर अभी देखना होता क्या है। देखो यहाँ पर हमने मारा इनको, लेकिन इनके कदवा नहीं पड़ा, इनके दिख रहे थे फुटप्रिंट्स लाल लाल गोला, ये बिल्कुल M10 उतार रहे, लेकिन कहीं एम ही नहीं किया, इतना बढ़िया मौका था, हम खुले में टहल रहे थे। अब देखिए ये घुस तो गए, लेकिन साला कॉल पर बात कर रहे थे, ये बिल्कुल धूम धूम धूम, देखें भी नहीं बंदा खड़ा है, लेकिन उतारे चले रहे गोला बारूद सब ठाल दिन मेरे। हमारे तो भैया छेद ही छेद हो गया, पानी लीकेज कर रहा था। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। अब देखो हमने जैसे तैसे बैंडेज लगाया, फिर आगे बढ़े दूसरे राउंड चौथे राउंड में, इनको हराना ही था। हम तो सोचा साला फैक्ट्री है तो क्या करें, इनको काम पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पर गरीना वालों को गिफ्ट में दे देंगे, इनको कह देंगे रख लो और इनको काम पे लगा लो, 150 रुपया देगा। फिर उसके बाद पैक कर लेंगे, डैमेज कहा गए थे,
इनकी फट गई थी, लाल हो गई थी भैया, क्या करें, इनको खेलने भी तो थी बैठ के। अब देखो इनका ग्लोबल कलर चेंज कर रहा था भैया, हमको तो डार्क डार्क दिखा था, लेकिन हम सोचा स्काइलर ना मारे क्योंकि अलाउड नहीं था। अरे बिल्कुल यू एम पी उतार रहे थे और स्काइलर मार कर यू एम पी ले दो गोली खत्म काम। तो क्या नाचो भाई? साले यू एम पी का स्प्रे मारेंगे, टट्टू है भाई स्प्रे के, हम है प्रो, हाँ हम तो देखो खेलना। देखिए फिर चौथा राउंड आया क्लॉक टावर का, पांचवा राउंड। अब इसमें हमको भी इसमें भी जीतना था हमको, लेकिन भैया ई तो हम पर पटवा लेके आ गए जो साला बिल्कुल नागमणि की तरीके ढस जाती है और मारती है ऐसा। अब मेरा लेटने का बटन बार बार दबा जा रहा था, कहा करें हम भैया नू बटाई रहे प्रो मूवमेंट वा दिखाते हुए, बिल्कुल आइकन आइकन देख लो, और इनकी लाइव से मैंने रिकॉर्डिंग करी, कहा करें हमारे मोबाइल में इतनी स्पेस नहीं है कि हम भैया ये रिकॉर्डिंग कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती, 14 मिनट की वीडियो थी, 15 मिनट का कस्टम था, तो इसीलिए कट आउट करके इसे रिकॉर्डिंग तो कर ली है। देखो अब इनकी लाइव जल्दी लाइव ही में हमने रिकॉर्डिंग पहली है, तो देखो वीडियो उठाई और देखो यहाँ पर भी भाई इनको पड़ा तो, लेकिन ये भागते पैसे ऐसे कि अरे लो मुँह उल्टा मारा था, लेकिन हम तो छुप गए थे। अब भैया बिल्कुल गोला, 4 गोला भरे थे और 28 वो तुलतुली भरे थे, तो देखो कैसे आ रहे थे मेरे ऊपर चढ़े जा रहे थे, लेकिन सोचा थोड़ा होल्ड कर ले हम जरा सा, इन्होंने फिर 6 गोला ले लिया, फिर हमारे डर रहे थे हम आगे बढ़े कि ना बढ़े, और ये बिल्कुल हमने दो नाली तो मारी घुस गए बिल्कुल, देखो देखो कैसे गोले में मारने लगते हैं लोलर आदमी, देखो देखो नाक निकल गया हमको, क्या करें बेटा तुमसे ना हो पाएगा भैया, ये गोले में पेलने लगते हैं हमको, इनको पता नहीं लगता कि 1v1 कस्टम में गोले में नहीं मारा जाता है, कब गोला बांध के बैठ जाओ तो। हाँ लेकिन क्या करें, इनको कौन समझाए भैया, प्रो है, प्रो को कौन समझाता है, हम नहीं उबड़े कहाँ के ठहरे। अब देखो यहाँ पर ही बिल्कुल चलते आ रहे, हमने कहा था प्राइज मदर पकड़, अरे इनकी लाल हो गई, एक खा चुके थे हाज मोला, इनको लगा डोज मोता और ये ठहरे गए वहीं पर, हमने इनको हकने जाने नहीं दिया तो ये यहीं पर रह गए। हाँ तो देखो दूसरे राउंड में क्या हुआ, चौथे 4-4 दोनों के पॉइंट हो चुके थे, हमने सोचा था जीतना तो जीतना है भैया, जैसे भी जीते जीतना है, लेकिन इन्होंने एम पी पटवा कभी जो भाई झरके इन्होंने वो करा, लेकिन हमने कहा कि हमने देखो हमने एम टन हमने सोचा था उतारेंगे तो दोनों आदमी का अंधी हट चला गया। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के, अब भाई मेरी तो लाल हो गई, अंधी नहीं गया होगा, गया होगा सही यार, लेकिन क्या करें यार मेरी तो लाल हुई ना, तो हमको लगाना था बैंडेज। हाँ तो बैंडेज लगा के हम भिड़ से आए, हमने सोचा अब यहाँ राउंड तो मारेंगे, वरना भाई अगर 6 हो गए तो फिर लाल हो जाएगी, वरना ये कह देंगे कि 6-7 से जीते हैं तो 6 जीतना थोड़ी ना कहते हैं इसको। इन्होंने फिर मैंने मारा, लेकिन ये खुद ही डैमेज कहा कि इनका एम ही ठीक नहीं है, नल्ला तो एम है। हाँ तो देखो आगे क्या हुआ, आगे हमने सोचा कि ये कंटेनर में घुस कर सोचे बिल में घुस जाए, चूहा बन गया बिल्कुल, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। तो हमने कहा बेटा तुम चूहे बने रहो, हम तुमको अंदर ही पैक कर देंगे, बने रहो तुम। इन्होंने स्काइल मारा, हम ग्लोवाल पे पहले पड़े थे, हमने सोचा बेटा तुम बाहर ही नहीं निकलने देंगे तुमको, ये पहले पड़े ग्लोवाल पे, लेकिन कद्दू कोई परखने पड़े। तो हमने क्या कह रहा, उसके बाद ग्लोवाल पहले जा रहे थे इसलिए क्योंकि भैया आओ घुस जाओ बिल में, अब तुम बिल ही मेरा हो, गरीना वाले तुमको ये रख लेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, अगली जब अगले वाला वो आएगा तो उसमें बेचेंगे तुमको फ्री वाला, फैक्ट्री में काम कराएंगे, यहीं पर रुके रहो तुम, कहीं ना जाओ। वाह क्या सीन है, शिपयार्ड में हमने इनकी प्रमोशन करी थी कि यहाँ काम करेंगे, लेकिन साले यहाँ से भागना चाह रहे थे। अब यहाँ पर देखो कैसे तोड़ रहे थे ग्लोवाल, धड़ाधड़ पी 14 की इतनी नली साली, एक ग्लोवाल नहीं तोड़ पा रही थी, एक ग्लोवाल में पूरी एमो ले रही थी, दूसरी एमो में जा रही थी। अब देखो दूसरे क्या हुआ, ये फिर से मतलब मैंने कहा चलो इनको खोल ही देते, मैंने मारा स्काइलर और गया बम बम खत्म काम इनका, बच गया ये साले डैमेज हुआ होगा, फिर ग्लोवाल पैक कर रहे थे, हमने कहा बेटा तुम फिर तो कुछ बिल में घुसोगे, फिर हमने इनको हल्का सा पैक करके डराया, तो ये ससुरे भागे डर रहे थे, कहने लगे रुक जाओ जरा मैडी मार ले, ये हाजमोला खाने लगे। हाँ हाजमोला खा के गैस छोड़ते तो मेरे भैया हो जाता लूज मुझे मेरे आ जाते, फिर ये घुसे ये वापस वहाँ भाग के गए, हमको दिख गए ये भागे हैं, वापस आ रहे थे, दे दिया इनको खाने पर का दुम दुम खत्म काम, इनके हेडशॉट चला गया लाल लाल एकदम, दे दिया चपाती वाला साफ कर रहे हैं एकदम, और ये हमको क्या पता था हगने चले गए, अब ये बैठे हाग रहे थे, हमने सोचा क्या करें, ये हमने उनको पता नहीं था कि हाग रहे हैं बैठे, आज मुला तो खा ही नहीं था इसीलिए गैस तो छोड़ेंगे, लूज मोशन तो हो ही गए होंगे। हाँ तो प्लीज़ कृपया करके अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिए, और ना आपको अपनी अम्मा से प्यार नहीं करते हो तुम, हाँ यही हम जानेंगे क्या कर सकते हैं।
तो देखो ये हग रहे थे हमको, हम कहीं कहीं दिख नहीं रहा कहाँ बात है, हगते हगते एकदम से उड़ गए, इनको पानी नहीं मिला था, पानी लेके बैठे नहीं थे, ये मेरे पास पानी मांगने आ गए, हमने कहा लो भैया पानी, ये भी बिल्कुल हम भी चलाने लगे, स्प्रे तेलने लगे भैया दूर 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 ऐसे चला रहे थे जैसे कि भाई बहन, हमने कहा हट तेरी बहन को ना मन, ये चलेगा दो से दो ही गोलियों में इनको हाजमोला चखा दिया, फिर से ये लूज मोशन करने लगेंगे, इनका लूज मोशन थोड़ा कंट्रोल हुआ तो ये फिर से आ गए दूसरे राउंड में। अब ये लास्ट राउंड था भैया, हमको जीतना था कैसे भी करके, और जीतना तो जीतना भैया, क्योंकि हम रहे ठहरे एम जी स्क्वाड वाले बंदे, और वो भी भैया हम एम जी स्क्वाड को अपनी हारने नहीं देंगे भैया, जैसे तैसे हमको ये राउंड निकाला दिए चलाने लगे एडब्ल्यू एम, सोच रहे थे हम प्रो हैं भैया, अज्जू भाई के पापा ये लो चपाती, हाजमोला लो हाजमोला, गुनगुना मुतोगे ताले नहीं देखो अब दूसरा बंदा आया, ये फिर से करने लगे ऐसे ग्लोल के घेरा बना ले, दो तीन की भैया हम बिल्कुल मैडी आडी मार ले, जैसे इनकी एच पी खुली इन्होंने गुलवाल खोल दिया, देखो ऐसे देखना अभी इनकी एच पी फूल हो गई, गुलवाल खोल दिन दिया दम दम में, फिर से ग्लोल लगा लें, हमने सोचा बहुत हो चुका तुम्हारा पकलोली, अब जाओ भैया तुम घरे दे दी आज मोला चले गए लूज मोशन करने, अब माइक खोल के बोलना कि हमारा बंदा जीत चुका है। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए, अब मैं भी जा रहा हूं मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने मां से प्यार करते हो तो एक लाइक ठोक दो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।